हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। तो एक और न्यू स्टेट की वीडियो के साथ आ गए हैं वापस। अब भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारे भाई ने फाइनली एनसी का टॉपअप कर लिया है और अपने पास अगर अभी देखें तो भाई लगभग 42,500 एनसी है, जिसकी हम लोग क्रेट ओपनिंग करेंगे, प्लस जो अपना प्रीमियम पास है वो परचेस करेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई जो अपना डेड बाई डेलाइट का कोलेब्रेशन की क्रेट आई हुई है उसमें से कुछ मिथिक आइटम्स निकाल सकें, और जो आउटफिट मेरे को सबसे पसंद आई वो भी निकालने का ट्राई करेंगे। अब इतने एनसी में भाई मेरे को नहीं लगता है कि निकलेगी, बट जो भी निकलता है वो अपने लिए सफिशिएंट होगा। बट यार जो ये एनसी का प्राइस वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। और इन फ्यूचर ऐसी और भी क्रेट ओपनिंग्स वगैरह आएंगी। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यार अपने प्रीमियम पास की। तो यहाँ पर देखो, हम लोग प्रीमियम पास को मैक्स आउट वगैरह नहीं करने वाले, जो अपना सर्वाइवर पास है, जस्ट हम लोग जो 3800 एनसी वाला होता है उसको परचेस करेंगे। और इसमें भी भाई अपने को काफ़ी अच्छी खासी स्किन्स मिल जाती हैं, लाइक M24 की एक स्किन मिल जाती है और एक Level 3 का बैकपैक मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। प्लस जो एडवर्ड का पैच है न्यू कैरेक्टर का, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अपनी SP हो चुकी है भाई, वो Level 20 की हो चुकी है, और अपनी जो AK अल्फा की स्किन है, प्लस जो अपनी व्रियॉन टी गाड़ी की स्किन है, वो भी अनलॉक हो चुकी है यहाँ पर। तो आप लोग बताना कि भाई आप लोगों ने सर्वाइवर पास को परचेस किया है अभी तक या नहीं किया है। और रही बात अगर जो 50% डिस्काउंट है, तो देखो केवल फर्स्ट टाइम परचेस पे ही है, जो आप लोग पहले ही क्लेम कर चुके हो। और अगर आप लोग किसी न्यू ID पे करोगे, या मतलब जो अभी फर्स्ट टाइम परचेस करेगा, उसको 50% का ऑफ देखने को मिलेगा सर्वाइवर पास के अंदर। तो अगर आपने नहीं करा तो भाई वहाँ पर आप लोग कर सकते हो परचेस। अब बात कर लेते हैं यार अपने डेड बाई डे लाइट की क्रेट की। तो इस जगह पर देखो, ये वाली क्रेट नो डाउट काफ़ी अच्छी है, बट अपनी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अगर इस क्रेट से कंपेयर करेंगे। अब भाई देखो, NC तो अपने पास मतलब बची हुई है 38,000, बट इसमें हम लोगों को क्या कुछ निकलता है भाई, अगर वो आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो यहाँ पर भाई अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो देखो, NC लगाने में हकीकत में मैं बोल रहा हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, और फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 क्रेट्स ओपन करें फर्स्ट टाइम और देखते हैं भाई अपने को क्या कुछ मिलता है। तो इस जगह पर भाई अपने को ब्लू लाइट और भाई मतलब पूरी NC बर्बाद। तो इस जगह पर भाई आप लोग देख सकते हो, ये अपने को कुछ मिलता है, और फाइनली एक ग्रेनेड की स्किन मिल चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड। भाई मतलब क्या ही करें, इनका जो स्किन देना है ये लोग भाई कभी देते ही नहीं है। तो यार अब देखो, मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बट यहाँ पर हम लोग कुछ सिंगल क्रेट्स ट्राई करेंगे, क्या पता भाई इनमें अपना लक अच्छा हो और कुछ ना कुछ निकल आए। बट भाई ये तो लग रहा है कि मतलब 10 क्रेट से भी बेकार लग रहने वाला है यार, ये सिंगल क्रेट में हर बार ब्लू लाइट आ रही है। तो इस जगह पर यार अपने को देखने को मिला है, ये मतलब भाई जूते खा लो यार सबसे पहले। तो यहाँ पर भाई इस वाली क्रेट के बाद तो मेरा मतलब क्रेट ओपनिंग से मन हट चुका है, और भाई मैं नहीं चाहता हूँ और NC वेस्ट करना, लेकिन आप लोगों के लिए भाई मैं ज़रूर से करूँगा। लेकिन यार देखो, सिंगल में तो अपने को कुछ मिल नहीं रहा, तो डायरेक्ट हम लोग ट्राई करते हैं 10 क्रेट्स। तो देखते हैं भाई इस वाली 10 क्रेट्स में अपने को क्या मिलता है। और देखते देखते भाई काफ़ी अच्छी खासी NC का अमाउंट उड़ चुका है यहाँ पर, और फाइनली भाई कुछ ना कुछ मिथिक अपने को मिलने वाला है। देखते हैं क्या मिलता है, और अगर भाई वो आउट मिल जाए तो भाई मतलब मज़े ही आ जाएंगे। तो इस जगह पर भाई अपने को फाइनली एक मिथिक देखने को मिलता है, और ये एक मास्क है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला हूँ। और उसके बाद भाई अनदर मिथिक, हाँ ये थोड़ा सा हेड अच्छा है, बट उतना भी अच्छा नहीं है जितना NC मैंने वेस्ट करा है इस जगह पर। तो उसके बाद भाई दोबारा से हम लोग ट्राई करते हैं। तो इस जगह पर यार मेरा मन देखो हो रहा है कि कुछ सिंगल क्रेट्स ओपन कर ली जाए, तो भाई देखते हैं क्या निकलता है। भाई साहब मतलब ब्लू लाइट के अलावा तो सिंगल क्रेट में और कुछ निकल भी नहीं रहा, एटलीस्ट 10 क्रेट ओपन कर रहे हैं तो भाई उसमें कुछ तो निकल रहा है यार। तो भाई मतलब अब ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे को सिंगल क्रेट ओपन करना चाहिए, तो भाई चलो अब चलते हैं डायरेक्ट 10 क्रेट्स की तरफ। तो यार मतलब ये वाला इमोट तो भाई मेरा देखकर दिमाग ख़राब हो रहा है, बट हम लोग यहाँ पर 10 क्रेट्स ट्राई करेंगे। बट उससे पहले इस जगह पर कुछ क्लिक्स वगैरह कर लेते हैं, और भाई ट्राई करते हैं कि इस वाली क्रेट में अपने को क्या मिलता है।
तो यहाँ पर भाई फाइनली एक मिथिक लाइट आई है और इस जगह पर अपने को मिलने वाला है एक हेड गियर जो अपने को पहले ही मिल चुका है भाई। मतलब क्या बोलूँ यार न्यू स्टेट को। ओ भाई लो मतलब एक और मास्क, मतलब मास्क पे मास्क दिए जा रहे हैं भाई। अब इससे ज़्यादा बुरी किस्मत किसकी ही होगी यार। यहाँ बंदों की फ्री क्रेट्स में यार क्रेट वगैरह निकल आती हैं, अच्छे खासे मिथिक आइटम निकल आते हैं और यहाँ एनसी लगाने पे भी नहीं निकल रहे भाई। मतलब सिंगल क्रेट्स ओपन करना तो मेरे को लग रहा है सबसे बेकार रहता है। अब यार देखो मैं सिंगल क्रेट्स इस वजह से ओपन कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, लेकिन अभी भाई मेरा मन बिल्कुल हट चुका है सिंगल क्रेट से। तो डायरेक्ट हम लोग 10 करते हैं और भाई ये मतलब 4500 एनसी बिल्कुल ही वेस्ट गई बिकॉज़ यहाँ पर ब्लू लाइट थी और भाई कुछ भी नहीं निकला। मतलब क्या ही बोलूँ अब। तो अनदर 10, तो उसके बाद भाई फाइनली कुछ मिथिक आने वाला है अपने पास। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिला यार एक मिली वेपन जो कि बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है। उसके बाद भाई यहाँ पर अपने को डेड बाई डे लाइट का बैकपैक मिल जाता है लेवल 1 का, और इस जगह पर अपने को एक पैन मिल जाता है जो कि भाई मतलब अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर फाइनली एक कार की स्किन निकल चुकी है जो बग्गी की स्किन है, और देखते हैं भाई जो अपना कलेक्शन है वो कितना है इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो 5 आइटम्स अपने इस कोलेब्रेशन के निकल चुके हैं। अब उसके बाद भाई देखो अभी अपने पास 12,000 के आसपास एनसी बची हुई है, तो दोबारा से हम लोग ओपन करते हैं। बट उससे पहले भाई यहाँ पर कुछ ट्रिक वगैरह लगा ली जाए, क्या पता भाई कुछ अच्छा आइटम निकल आए। तो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और भाई मतलब पिंक लाइट, तो देखते हैं इस जगह पर अपने को क्या मिलता है। तो इस जगह पर पहले ही अपने को एक डीबीएस की स्किन मिली, उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक डे बाई डे लाइट का एप्रन मिल जाता है जो कि अपने कलेक्शन में ऐड हो चुका है, और उसके बाद भाई यहाँ पर डेड बाई डे लाइट बैरल मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं यार अपने पास कितनी एनसी बची हुई है, बट उससे पहले यहाँ पर 10 क्रेट्स और ओपन करते हैं और ये होप सो लास्ट 10 क्रेट्स होंगी। तो देखते हैं भाई यहाँ पर अपने को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है लास्ट में। तो फाइनली यहाँ पर एक अपने को डेड बाई डे लाइट का लेवल 2 का बैकपैक मिलता है और उसके बाद एक लेवल 1 का हेलमेट मिल जाता है। तो यही था यार इस वाली क्रेट के अंदर। एक सिंगल क्रेट हम लोग और ओपन करेंगे, अगर इस वाली क्रेट में कुछ निकलता है तो आगे मैं एनसी का टॉपअप करूँगा, वरना भाई मैं बिल्कुल भी लोड वगैरह नहीं करने वाला हूँ, कुछ एनसी परचेस नहीं करूँगा और जितनी भी यहाँ पर मैं बचा सकूँगा उतनी बचा लूँगा। तो भाई एज़ यूज़ुअल यहाँ पर अपने को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इस वाली क्रेट के अंदर। तो अभी यार जो अपने पास एनसी बची हुई है ये मैं बचा कर रखूँगा बिकॉज़ यार जो नेक्स्ट सीज़न का सर्वाइवर पास आएगा उसमें मैं दोबारा से 3800 वाला परचेस कर पाऊँ। तो यही था यार इस वाली वीडियो के अंदर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास डेड बाई डे लाइट का जो कलेक्शन है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और मेरे को कमेंट में ये भी बताते जाना कि आप लोगों को ये वाली क्रेट ओपनिंग कैसी लगी और आप में से कितने लोग ऐसे हो जो इस वाली क्रेट की ओपनिंग करने वाले हो, ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताते जाना। टिल देन बाय बाय।